हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। हम लोग फर्स्ट ईयर की बच्चों पहला यूनिट पढ़ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो उसमें हम लोग कुछ वीडियो भेजा था, अब उसमें कुछ आगे टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसे इंग्लिश हिंदी में बच्चों वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। तो किसी तो इसको हम लोग कैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन शो करेंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 32.508, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रखना बच्चों, आप जानते होंगे यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट को इधर से एक यूनिट रहनी चाहिए। तो इस पॉइंट को जब यहाँ हटाओगे तो 2.32508। तो और जब आप पॉइंट को किस साइड ले गया, लेफ्ट ले गए, तो पॉइंट किस में जाएगा, यहाँ पे जब लेफ्ट साइड जाते हैं बच्चों तो पॉइंट आपका 2। अगर राइट जाते हैं तो बच्चों यहाँ माइनस लगा देते हैं, और लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में शो करता है। ये मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की गई। मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये आपको शो करना है। तो 0.0016, तो हम लोग कहाँ तक देते हैं, एक अंक यहाँ पे कोई का नंबर तक ले आते हैं। तो इसको ले आएंगे आप 1.6 हो जाएगा, और 10 की पावर देखिए 1, 2, 3। तो किस साइड जा रहे हैं आप, राइट साइड, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर देखिए 1, 2, 3, तो -3। माइनस क्यों लगा बच्चों, क्योंकि आप राइट हैंड, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा, नहीं तो क्लियर करिए। राइट जाने पर हमें पावर माइनस में यूज़ करना है, अगर लेफ्ट जाएंगे तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है कि कोई भी गिनती लिखा है तो हम इधर से हमको एक गिनती के बाद पॉइंट लगना चाहिए वो हम लोग को। तो कोई भी आप इस तरीके से और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। मान लीजिए फिर 23.4 है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो इसको कहाँ कर दोगे, 1.234 इंटू 10 की पावर, अब कितना से लेफ्ट साइड 2। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। अब कुछ इसके मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल समझते हैं, इनटू करना यानी गुणा करना है, तो इसके मल्टीपल कैसे देखते हैं। मल्टीप्लाइकेशन या इसको आप ठीक है गुणा भी बोल सकते हो। तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 5.6 इंटू 10 की पावर 5, दूसरे ब्रैकेट में 6.9 इंटू 10 की पावर 8, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 आपस में आप क्या कर लीजिए, इंटू करने पे पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 5 और 8 आप ऐड कर सकते हैं। और ये 5.6, तो 5.6 और क्या बचा, 6.9, ये आपस में इंटू हो जाएगा ठीक। और 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पे अगर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 13, और इसका अगर हम लोग इंटू कर लें बच्चों तो वो अप्रॉक्सीमेट आ रहा 38.64। अब फिर अभी हम लोगों ने कहा कि नहीं, पॉइंट हमारा इधर से कितना रहना चाहिए, एक यूनिट बाद रहना चाहिए। तो अब इस पॉइंट को कहाँ खिसका के लाओगे, 3.864 इंटू, अब आप पावर किस साइड ले गए, लेफ्ट साइड ले गए हैं, तो लेफ्ट साइड ले गए हैं तो एक गिनती बाद, एक नंबर बाद आप आ रहे हो,
तो एक इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 13 था तो क्या हो जाएगा 14, क्योंकि अभी हमने आपको बताया क्या कि अगर 13 पहले से बच्चों और एक लेफ्ट से जा रहे हो तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 14। तो इस तरीके से आप कोई भी मल्टीपल हो तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखते हैं दूसरा एग्जांपल, मान लो इसको मल्टीपल में हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड अगर यूज करते हैं 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे ये पावर है तो इसको हम लोग 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये भी क्या माइनस 6 है, तो ये आपस में माइनस 6 और माइनस 2 तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, 2 और 6 दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएगी, लेकिन साइन माइनस की लिखी जाएगी 10 की पावर 8। अब इसका अगर आप इनटू कर लीजिए तो इनटू करने पे अप्रॉक्सीमेट आ गया आपका 24.50 इनटू 10 की पावर 8। फिर इसको यहाँ पे लाना है आपको तो 2.45 या जीरो को छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर देखिए क्या हो जाएगा भाई, आपके पास 10 की पावर माइनस 8 है, आप पॉइंट को कितना खिसका रहे हैं बच्चों 1, जब यहाँ पे 1 लाएंगे तो लेफ्ट साइड गया, तो लेफ्ट साइड में यहाँ लेफ्ट जाने पर बच्चों प्लस में जाता पावर, तो माइनस 8 और इसमें जब एक हो जाएगा तो 8 और 1 9 नहीं होगा बल्कि बस देगा निगेटिव साइन और ये क्या है पॉजिटिव साइन है। तो ध्यान दीजिए 8 और 1 जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7। तो जो बच्चे देखिए एक्सपर्ट होंगे तो तुरंत कर लेते हैं, लेफ्ट हो गया भाई माइनस 8 प्लस होता तो एक कम हो जाएगा। जो बच्चे थोड़ा सा क्लियर नहीं कंसेप्ट हो आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो कि सर 10 की पावर माइनस 8 था जब हमने लेफ्ट साइड एक पॉइंट खिसकाया बच्चों, तो लेफ्ट जाने पर पावर किस में चलती है प्लस में, बिकॉज बोथ साइन इज द डिफरेंट, तो 8 में से एक ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा। इस तरीके से आप इसका आंसर आ गया 2.45। इसी तरीके से एक इसका डिवीज़न देख लेते बच्चों, मल्टीपल तो देख लिया, डिवीज़न कैसे करते हैं ठीक है, डिवाइड कैसे सीखते हैं। तो एक डिवाइड है हम लोग के पास 2. मान लो एग्जांपल लिए 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 5.5 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो इसको इसमें डिवाइड कर सकते हैं 2.7 और 5.5 और ये जब पावर जाएगी तो ये जो हो जाएगी बच्चों माइनस। तो इसको अगर हम इसको डिवाइड कर लें 2.7 और 5.5 को अगर डिवाइड करिए तो आ गया 0.4909। और इसको बच्चों कैसे, ये क्या है 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर जब माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 4। तो ये दोनों आपस में बच्चों 0.4909 10 की पावर माइनस 3 और माइनस 4 7 हो जाएगा। और इसमें पॉइंट कहाँ, तो अक्सर हम लोग कहाँ जवाब देते हैं इधर से एक गिनती बाद, तो इस पॉइंट को जब हम इधर खिसकाएंगे तो 4.909 इंटू क्या होगा, फिर से देखिए अब आप पॉइंट किस राइट साइड गए, अभी हमने बताया आपको कि राइट साइड जाएंगे बच्चों, तो ये देखिए पहले से 7 है, जब हम राइट जाएंगे तो राइट पावर हमारी क्या होती है माइनस में होती, फिर देखिए माइनस 7 और माइनस 7 समझ में आया, इस पॉइंट को राइट ले गए तो राइट साइड जब जाएंगे तो हमारा पावर किस में आएगा माइनस में, तो माइनस 7 और माइनस 1 हो जाएगा हमारा माइनस 8। तो इस तरीके से हम जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको हम लोग चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवीजन हो
चाहे एडिशन हो, इस तरीके से हम लोग इसका कर सकते हैं। अब जैसे एक आ रहा है एडिशन, मल्टीपल हो गया, डिवीजन हो गया। अब एक मान लो हम लोग एडिशन, तो एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन मतलब समझ रहे हैं, ऐड करना है। तो एक हमारे पास एग्जांपल 6.65 इंटू 10 की पावर 4, इसको हमें ऐड करना 8.95 इंटू 10 की पावर 3। अब बच्चों इसमें क्या है कि इन दोनों की पावर जो यहाँ पे है डिफरेंट है, तो उस पावर को क्या कर लीजिए आप, सेम कर लीजिए। तो सेम करने में क्या होगा, या तो आप 4 को 3 बना लो या 3 को 4 बना लो। तो यहाँ से 6.65 मान लो इसको हमें 4 बनाना है, तो 4 कैसे बनेगा बच्चों, जब हम लेफ्ट साइड आएंगे, क्योंकि राइट जाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस होगा तो फिर इसमें से एक कम हो जाएगा, तो ठीक लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट लाएंगे बच्चों, तो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 0.8 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन पॉइंट से पहले क्या लगा देते हैं, 0, और यहाँ पे आएगा 9.5। तो जब लेफ्ट हमने गए बच्चों तो यहाँ पे 10 की पावर 3, और जब हम लेफ्ट जाएंगे तो एक इसमें और इंक्लूड हो गया, तो कितना हो गया, 10 की पावर 4। तो आप चाहे तो 4 को 3 बना लो, चाहे 3 को 4 बना लो, बिकॉज दोनों एक जैसा हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया 10 की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पे हम 10 की पावर 4 को क्या कर लें, कॉमन ले लें। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 6.65 प्लस 0.895, ठीक। इसको फिर आप ऐड कर लीजिए, 0.895 है और ये क्या है, 6.65। सेवन पॉइंट फाइव फोर आ रहा, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 7.45 इंटू 10 की पावर 4। अब पॉइंट एक नंबर बाद है, तो इसको कोई इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आ गया होगा समझ में, एडिशन हो गया। अब एडिशन के बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग घटाना या माइनस बोलते हैं। तो एक माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पॉइंट, एग्जांपल से बच्चे समझ में आएगी, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ भी बच्चों आप क्या करिए, चाहे माइनस टू को माइनस थ्री बना लो, और चाहे तो माइनस थ्री को माइनस टू बना लो, एक जैसा हो जाएगा, तो फिर हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 10 की पावर माइनस 2, अब इसको माइनस टू बनाएं तो क्या इसमें अकल लगाएं कि हम लोग का माइनस थ्री किस में चला जाए। तो अगर पॉइंट हम इस साइड ले आए, अब इसको देखो इस साइड लाओगे तो 10 की पावर माइनस 3 किस साइड ले गए आप पॉइंट को, लेफ्ट साइड ले गए। तो लेफ्ट में ये याद रखिए, लेफ्ट में प्लस होता है, प्लस में चलती पावर, तो पहली बात तो प्लस हो गए, लेफ्ट गए, कितने पॉइंट आप यहाँ से गए हैं, 1 पॉइंट गए, तो यहाँ पे 1 हो गया। अगर 2 पॉइंट जाते थे यहाँ 2 लिख देते। अब ये माइनस 3 साइन डिफरेंट है, तो गिनतियाँ आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, -2। अब ये भी बच्चों -2 हो गया, ये भी -2 हो। उसी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको क्या कर लेते, -3 बना लेते। खैर अब यहाँ पे बचा क्या, 2.5 माइनस 0.48, और ये 10 की पावर -2 मान लो हम यहाँ पे कॉमन लिए हैं, चाहे इधर कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो यहाँ पे कॉमन ले लिया 10 की पावर -2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2.5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, पॉइंट पॉइंट के नीचे रहना चाहिए, ध्यान दीजिए, छोटे क्लास में आप पढ़ते आए होंगे, पॉइंट पॉइंट के नीचे।
और इसके लेफ्ट क्या है, कुछ नहीं है, जीरो लगाइए, इसके ऊपर कुछ नहीं तो जीरो ले लो। तो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचा 4, 4 में से 0 0 हो गया और यहाँ पे 2, तो ये आ रहा है 2 पॉइंट। अब चूँकि पावर उधर रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, तो 0.2 × 10⁻²। तो ये है आपको साइंटिफिक नोटेशन था, किस तरीके से हम उसको शो करते हैं, कैसे पॉइंट को लेफ्ट या राइट करते हैं, बेसिक चीज़ें थी। उनका मल्टीपल सिखाया गया, उनका डिवीजन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर एडिशन सीखा। तो इस तरीके से आप इसकी एक बेसिक चीज़ें जो फर्स्ट ईयर में आती है वो आपको बताया गया। अब हम लोग बच्चों इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर, जिसे हिंदी में सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सार्थक अंक। तो इसकी डिफिनीसन नोट कर सकते हैं, डिफिनीसन बहुत कम पूछी जाती है, इसके रूल्स बहुत पूछे जाते हैं, रूल भी बल्कि नहीं पूछे जाते, कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, कितने सार्थक अंक है, तो वो चीज़ आपको हम आज सीखना है। तो इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सार्थक अंक। तो डिफिनीशन बच्चों बहुत कम पूछी जाती है, इसकी सबसे ज़्यादा क्या पूछी जाती है, रूल्स। रूल्स भी आपसे ये नहीं पूछी जाएगी, इसके रूल्स बताइए, इससे ये पूछा जाएगा, कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट है वो आपको बताना होगा। तो पहला रूल वैसे है बच्चों, ऑल नॉन ज़ीरो, जितने नॉन ज़ीरो होते हैं, जितने आपके क्या होते हैं नॉन ज़ीरो इज कॉल्ड, ऑल नॉन ज़ीरो इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, समझ जाना, SF, सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी नॉन ज़ीरो हैं, कोई भी आप ले जैसे 285, एग्जाम्पल से ही बातें आपको समझ, जैसे 285 है तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी हो गई, जितनी गिनतियाँ ऑल नॉन ज़ीरो, तो 1, 2, 3 हो गया। मान लो और एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल 2.45, इसमें भी सिग्निफिकेंट क्या है, 1, 2, 3, तो एक रूल आपका हो गया, ठीक है, एक रूल हो गया कि जितने भी बच्चों नॉन ज़ीरो होंगे, यही चीज़ आपको अक्सर पूछा जाएगा कि ऐसे कोई गिनती कोई नंबर्स दे दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा रूल पढ़िए, ज़ीरो प्रिसीडिंग मतलब जो होता है, जो कोई नंबर होगा उससे पहले जो होगा, 2 0 प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब
एग्जाम्पल से भी इसको भी समझने करिए, एग्जाम्पल से बातें समझ में आएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 0.025, तो कह रहा कि जीरो प्रिसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो, जो ये गिनती, अगर गिनती से पहले कोई भी जीरो होगा तो उसको सिग्निफिकेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर से देख लिए, गिनती से पहले जो जीरो होगा वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ कितना लिखा है, एक और एक दो, ध्यान दीजिए जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका सिग्निफिकेंट कितना आ गया, टू आ गया। ऐसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कितनी गिनती है, अब फिर भी इसका पॉइंट के बाद क्या है, जीरो है, लेकिन जीरो नहीं, क्यों, क्योंकि इस गिनती से पहले अगर कोई भी जीरो होगा तो हम लोग उस जीरो को काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप दो लॉस पढ़ लिए, दो लॉस समझ में आ गया होगा, टोटल नंबर वो काउंट हो जाते हैं, अगर नंबर से पहले जीरो है तो उस जीरो को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर। अब तीसरा रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो इज काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, अगर बच्चों दो गिनतियों के बीच में, दो नंबर के बीच में अगर आपकी क्या आ रही है, जीरो आ रहा है, तो वो काउंट होगा। जैसे अब देखो, दो गिनतियों के बीच में जीरो है, तो जीरो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितना आ गया, थ्री। मान लीजिए और कोई ले लीजिए, वन टू, दो ये हो गया लेकिन दो जीरो इसके अंदर है, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार, गिनतियों के बीच में जो बच्चों जीरो होगा वो काउंट होगा। तो ये टोटल कितना आ गया, फोर। अगला जो पॉइंट है वो डेसिमल से रिलेटेड, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे डेसिमल से रिलेटेड हम लोग इस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है। डेसिमल से रिलेटेड क्या है कि अगर 0.20, ये एग्जाम्पल से सब बातें समझ जाइए, अगर पॉइंट के बाद 2 है ये तो हो गया नॉन जीरो, लेकिन उसके पॉइंट के बाद भी अगर ये 0 है तो ये 0 आपका क्या होता है, काउंट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट के बाद गिनती तो काउंट ही होती है, लेकिन उसके पॉइंट के बाद 0 भी का इंक्लूड हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे ये 100 है, तो 100 में अगर पॉइंट लग जाए, एक और लेते हैं एग्जांपल तब समझ में आएगा, अगर पॉइंट लग गया तो बच्चों जीरो इंक्लूड हो जाएगा, तो कितना हो गया, अगर यहाँ पॉइंट नहीं लगा है तो नंबर के बाद हम जितने भी जीरो होंगे उसको इंक्लूड नहीं करें। यहीं पर बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों, तो यहाँ पर पॉइंट 1 है, उसके बाद पॉइंट नहीं लगा, तो केवल हम किसको काउंट करेंगे, ठीक है, ये जीरो को काउंट नहीं किया गया। अगर यहीं पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तब हमारा ये दोनों जीरो काउंट हो गया। अब अगर 100.0 कर दिया तो अब ये दो जीरो तो था, ये भी जीरो इंक्लूड हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 4। इस तरीके से आप 4, एक रूल और है बच्चों यहीं पे लिख दे रहे, 5 रूल। इसमें क्या होता है, इन पावर, जो पावर में गिनती होती है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। इन पावर नंबर कैन नॉट इंक्लूडेड, इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं जो पावर में होता है। जैसे 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 2.3×10³, तो इस पावर से हमको नहीं मतलब बच्चों, कितना है 2.3, तो ये हो गया आपका एक दो, दो सिग्निफिकेंट आ गया। ये आपने अवोगाड्रो नंबर सुना होगा 6.02, या मान लीजिए और कोई एग्जांपल लेते हैं, 2.45×10⁻¹¹,
फाइव या कुछ भी, इसमें कितनी गिनती है, एक दो तीन, पावर से हमें नहीं मतलब है। तो इन पावर नंबर कैन नॉट इंक्लूडेड, तो उस पावर को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ कितना आया बच्चों, थ्री। तो हमेशा आपसे केवल क्या पूछा जाएगा बच्चों, ना जल्दी डिफिनीशन पूछी जाती है और ना ही रूल्स पूछे जाते हैं, हमको क्या निकालने आना चाहिए, सिग्निफिकेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सार्थक अंक। तो इस तरीके से हमने आपको ये सिग्निफिकेंट पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक देख लीजिए कैसे एडिशन करते हैं, एक एडिशन देखिए जरा इसमें भी, एग्जाम्पल से बात से बात तो समझ में आएगा। एडिशन है से 12.11, 18.0 और 1.012, इसको अगर हम ऐड करें बच्चों 31.122। तो इसमें मेन चीज़ है, अगर आप बुक को देखिए तो कह रहे हैं हम इसका आंसर क्या देंगे, आंसर इसका आएगा बच्चों कि इसमें पॉइंट के बाद कितनी गिनतियाँ हैं, दो, इसमें पॉइंट के बाद कितनी गिनती है, एक, भले जीरो है, इसमें पॉइंट के बाद 0, 1, 2, तीन गिनतियाँ हैं। तो सबसे कम वाले के बेस पे आंसर दिया जाता है। तो आप भी पॉइंट के बाद कितने देंगे, एक गिनती, एक गिनती देंगे तो आंसर आ गया 31.1। फिर से ध्यान दीजिए, तीनों ऐड करना है, इसमें पॉइंट के बाद सबसे कम गिनती जो इसमें होगी आपको भी पॉइंट के बाद उतने कम गिनती देनी है। तो 31.1, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक गिनती, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो रूल जो बता रहा है कि पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर जिसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको भी यहाँ क्या करना है कि 31.1 आंसर आ चुका बच्चों, लेकिन इसमें देना क्या है कि पॉइंट के बाद वन गिनती है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद। एडिशन के बाद एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन एक जैसे एग्जांपल है 2.15, 1.25, इसका अगर हम लोग इनटू करें तो अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 3.125। अब आंसर क्या देंगे हम लोग कि देखिए इस पॉइंट के बाद दो गिनती है, इसमें पॉइंट के बाद एक गिनती है, रूल क्या कह रहा है, कम वाले, तो ये 3 फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बस एक दो मिनट के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, देख लीजिए इसमें, ये आपको पता भी होगा, जैसे आपने सुना होगा, नोट डाल के इसको पढ़ा देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई गिनती हमें लास्ट में छोड़नी होती है, मान लो 6.26, मान लो 8, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हम इस गिनती को छोड़ते हैं लास्ट वाले को बच्चों, तो वो गिनती अगर 5 या 5 से बड़ी होती है, तो ये गिनती 5 से बड़ी है तो रूल कहता है बगल में एक ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 6.62 और 6 में ऐड हो जाएगा। ठीक, ये हो सकता है आप लोग को पता भी हो कि अगर वो गिनती 5 या 5 से बड़ी अगर हम लास्ट में छोड़ते हैं तो बगल वाले में क्या करते हैं, एक नंबर इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अगर बाई चांस वो गिनती क्या है, छोटी है, अब लास्ट में क्या है, 4 है, ये 5 से छोटी है, तो हम इसको अगर लीव करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 6.23 ये आंसर आ गया। क्लियर कि लास्ट में अगर बच्चों 5 है या 5 से बड़ी है तो हम उसको छोड़ते हैं तो बगल वाले में एक ऐड कर देते हैं, और उससे छोटी अगर है 5 या 5 से छोटी हो गिनती तो हम उसको लीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसमें हम लोग कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन अगर बच्चों वही गिनती आ गई, तो जैसे मान लीजिए 6.45 आ गया, अगर 5 या 5 से बड़ी 5 से छोटी बोल रहे थे, अगर बच्चों 5 ही आ गया, अब इस पॉइंट को
ज़रा ध्यान समझिएगा, क्योंकि 3 एक पॉइंट और बस, अगर इस गिनती को छोड़ेंगे तो 6.4 आंसर आएगा, लेकिन अगर 6.35 होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे एक ही जैसा आ जाएगा, तो 6 पॉइंट ले लेते हैं, मान लो 7 ले लिया, ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा 6.85। जब हट रहा, देखो ये 5 हटा तो इसमें कोई ऐड नहीं हुआ, लेकिन ये 5 हटेगा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, और जब ऐड हो जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब ये चीज़ कैसे हमको याद रहे कि कब 5 के केसेस में 5, 5 आप बच्चों हटा रहे हो तो कब आप ऐड कर रहे हो, कब नहीं ऐड कर रहे हो, तो ध्यान से सुनिए, अगर 5 को हम लोग हटा रहे हैं तो 5 के बगल में कौन सी गिनती है, 4, 4 कौन सी गिनती, इवन नंबर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। अगर बच्चों इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो 5 हटाने के बाद उस नंबर में कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम उस गिनती को हटा रहे हैं 5 को, अगर उसके बगल में आड नंबर है, ठीक है, आड नंबर समझ रहे होंगे, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो जो आड नंबर है जिसे हम हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, अगर विषम संख्या होगी तो उसमें एक इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो क्लियर। अगर हम 5 को हटाते हैं, बगल में इवन नंबर है तो वही रख देंगे, ऐड नहीं करेंगे, अगर हम उसके बगल में क्या है, ऑड नंबर है बच्चों, तो उसमें एक इंक्लूड कर देंगे। तो आज फर्स्ट ईयर में बच्चों आपको ये बेसिक चीज़ें कुछ बताई गई, हो सकता आप वो अच्छा लगे, इसको आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।